नमस्कार। फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज यानी शुक्रवार से होने जा रही है। बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा और विधान परिषद में कुल 5 बैठकें होनी हैं। 24 जून, 27, 28, 29 और 30 जून को सदन की कार्यवाही चलेगी। इस दौरान दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश और राजकीय विधेयक पारित होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। पहले दिन ही शुक्रवार को विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, साथ ही दोनों सदन के नए सदस्यों का शपथ होगा। वहीं 27 और 28 जून को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। साथ ही 29 जून को अनुपूरक बजट का वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। 30 जून को गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। बता दें कि मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा में सत्र की शुरुआत स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के प्रारंभिक संबोधन से की जाएगी। इसके बाद अभ्यासी सदस्यों का मनोनयन होगा, साथ ही साथ स्पीकर विजय कुमार सिन्हा कार्य मंत्रणा समिति का गठन भी करेंगे। सदन में आज राज्यपाल द्वारा स्वीकृति विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा और वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक बजट को सदन में रखे जाने के साथ दिवंगत सदस्यों को शोक संवेदना भी दी जाएगी। बता दें कि शोक प्रकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो जाएगी। विधान परिषद में भी आज शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की जाएगी। वहीं विधानमंडल के मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी पूरी है। हालांकि सत्र बेहद छोटा है, अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं सत्ता पक्ष सरकार की उपलब्धियों को सदन में प्रमुखता से रखने और विपक्ष के सवालों का जोरदार जवाब देने को तैयार है। इसको लेकर सभी दल आपस में विचार विमर्श भी कर रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी सभी दलों की बैठक कर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर के आवश्यक पहल की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।